हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रभु की चोली, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। लीजिए, यहाँ पर शुरू करने के लिए ये मैंने बनाई है 13 चेन प्लस 3 और, यानी कि टोटल 16 चेन। अब 16 चेन बनाने के बाद ये देखिए मैंने तीन काउंट करा, 1 2 3, और फोर्थ वाले में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाया। अब ये हमारे दो डबल क्रोशे हो गए हैं और ऐसे ही हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। आप कहेंगे कि ये चोली कितने नंबर की है, तो ये चोली आप 0, 1, 2, 3 और 4 हर नंबर के प्रभु के लिए बना सकते हैं, हर नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो पहले हम चोली बनाना सीखते हैं और फिर ट्रिक को भी जान लेंगे। तो यहाँ पर हमने 13 चेन जो ली थी, 13 प्लस 3 चेन, उनको हम सब में डबल क्रोशे बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये एंड होगा, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होने पर हमारे 14 डबल क्रोशे बन जाएंगे। तो ये पहला वाला रो हमारा चल रहा है और इसमें हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो ये है हमारे 14 डबल क्रोशे कंप्लीट, 14 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने बहुत आसान है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, ये हो गए हमारे 14 डबल क्रोशे। अब एक चेन लेंगे हम, टर्न कर लेंगे और अब हम आगे यानी कि सेकंड रो अपना शुरू करेंगे। देखिए, धागा आगे करके हमने जो पहला ही चेन थी उसी में हमने क्रोशिया डालकर दो बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, यानी कि एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया, यानी कि ये वाले राउंड में हम फंदों को दुगना करेंगे। दुगना करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये सारे में बनाएंगे, तो यानी कि हमारे 14 डबल क्रोशिया थे और इस रो के एंड पर हमारे 28 डबल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए, ये हो गए हमारे 28 डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न कर लेंगे और अब हम आगे बनाएंगे। ये होगा हमारा थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमने सबसे पहले वाले में ही एक डबल क्रोशे बनाया, नेक्स्ट में हमने एक और डबल क्रोशे बनाया और ये दो हो गए, और अब तीसरे वाले में हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि इसमें भी हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। लेकिन इंक्रीज करने का हमारा तरीका क्या होगा, एक डबल क्रोशे और फिर दो डबल क्रोशे, यानी तीन डबल क्रोशों के ऊपर हम चार डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हमने एक एक फंदा बढ़ा दिया है ना। तो इस तरह से हम ये डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 28 डबल क्रोशे थे वो बढ़कर यहाँ पर 34 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। देखिए, इस तरह से हम पूरे से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और देखिए कितना परफेक्ट सा सेमी सर्कल बना है, ये बहुत ही परफेक्ट बना है। तो बहुत अच्छी प्यारी सुंदर चोली बनेगी हमारी। अब हमने इसे नेक्स्ट रो में आ गए, पहले ही होल में हम डबल क्रोशे करेंगे और अब हम यहाँ पर काउंट करते जाएंगे अपने डबल क्रोशे हमें कितने लेने हैं। तो यहाँ पर अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए ये देखिए मैंने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब मैं आगे काउंट करूंगी जो हमें आस्तीन या स्लीव्स के लिए छोड़ने होंगे। तो ये यहाँ पर मैं छोड़ूंगी 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और उसके बाद हम 8th वाले में हम डबल क्रोशे डालकर बुनेंगे। एक हो गया हमारा, ये देखिए ये छोटी सी, 2, 3,
चार पाँच छः, ये आप चाहे फ्रंट समझ लीजिए चाहे बैक, मतलब एक हिस्सा उसका तैयार हो रहा है। तो जब हमने एक आगे वाले हिस्से में पाँच लिए थे और दूसरी साइड भी हम पाँच लेंगे, तो यानी कि हमें पीछे की साइड में दस रखनी है डबल क्रोशे। तो ये दस डबल क्रोशे हम बना रहे हैं। तो ये दस डबल क्रोशे होने के बाद फिर हम काउंट करके यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, यानी कि एट्थ डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि सात हमने स्लीव्स के लिए छोड़ दिए और उसके बाद हम ये बाकी के पांच डबल क्रोशे बना लेंगे। बाकी के ये पांच डबल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए ये हमारा लगभग तैयार हो गया। देखिए हो गई ये प्यारी सी छोटी सी चोली हमारी तैयार प्रभु की। और ये देखिए कितना परफेक्ट सर्कल आया है, परफेक्ट सारी स्पेस बनी है और फिर इस पर हम अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब है ट्रिक की बारी। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है ये नौ नंबर का क्रोशिया, इसीलिए ये दो तीन ये चार नंबर के भगवान की ड्रेस के लिए बिल्कुल सही बैठेगा। अगर मैं यहाँ पर 12 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल करती तो बिल्कुल इसी तरह से ये 0 और 1 नंबर के प्रभु की ड्रेस के लिए बिल्कुल सही बनता। ये हो गई हमारी बिल्कुल चोली तैयार। आपको ये चोली कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको पसंद आई तो आप लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।